बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। सुबह उठे हैं, नमाज में फ़ारग हो, नमाज वगैरह से फ़ारग हुए हैं। तो अब रात की बेटी ने जो है ना फ्रिज की लिए सफाई शुरू की हुई थी, उसको बंद किया हुआ था तो जितनी बर्फ़ थी सारी पिघल चुका हो चुकी थी। और सुबह उठ कर उसने साफ़ करनी शुरू करती है, और ये अंदर से ही सफाई करते हैं फ्रिज की, तो ये लाजमी होती है हफ्ते में एक दफ़ा फ्रिज की सफाई करनी चाहिए अच्छी तरह। वैसे तो साथ साथ ही सफाई होती है, लेकिन एक दफ़ा लाजमी अच्छी से सफाई कर लेनी चाहिए। तो ये सब्जियां वगैरह अंदर रखी होती हैं, जो भी चिकन वगैरह सारा क्लियर हो जाते हैं, साफ़ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ऊपर से साफ़ कर लिया हमने, तो ये देख दिए, और बाहर से भी साफ़ करते हैं, सारी फ्रिज को क्लियर कर देते हैं। उसके बाद बनाएंगे जी नाश्ता, तो साथ साथ जो जो सीन होगा आपसे शेयर करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अब ये देखिए, हमने फ्रिज को साफ कर लिया। ये बहना ने रात को फ्रीजर वगैरह खोल के रख दिया था, जिससे ये देखिए यहाँ बर्फ़ वगैरह पिघल गई थी, तो इसे हमने सुबह इसको साफ कर दिया। और ये मैंने कर लिया नीचे, सुबह सुबह बच्चे सोए होते हैं, इसीलिए ये हम काम फ्रिज का जो सुबह सुबह कर लेते हैं। और इसी तरह अपनी फ्रिज को साफ सुथरा रखना चाहिए, रोज के रोज ही साफ करते जाएं, या हफ्ते में एक दफा मुकम्मल इसकी सफाई जरूर करनी चाहिए। ये देखिए यहाँ साफ कर लिए, और आगे जो भी रूटीन में काम होगा वो भी आपसे शेयर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ, और ये देखिए अब मैं अम्मी जान को रोटी बना के दूँगी अंदर देसी घी लगा के, क्योंकि वो पराठा नहीं खाते, इसीलिए मैं उनको देसी घी वाली रोटी बना के दे देती हूँ, क्योंकि देसी घी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वो ताकतवर होता है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पूरी रोटी पर फैला दूँगी। ये देखिए हम मैंने इसे पेरे को तैयार कर लिया है अंदर देसी घी लगा के। ये देखिए अब इसकी रोटी बनाऊंगी और अम्मी जान को दूंगी। और ये देखें यहाँ पे हमने रोटी को तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल नरम बनी है। और अगर आपके घर में भी अगर कोई पराठा वगैरह नहीं खाता, तो इस तरह आप भी अंदर देसी घी या ऑयल वगैरह लगा के तो आप अपनी रोटी को बना सकती हैं, क्योंकि हमारी अम्मी जान पराठा खाती नहीं, इसीलिए हमने देसी घी अंदर लगा के तो हम इस तरह से ऊपर से रोटी बना देते हैं, और ये बिल्कुल खुश्क है ऊपर से। चलिए अब हम अपनी अम्मी जान को नाश्ता देते हैं, और आगे जो भी दिन में काम काज करेंगे वो आपको साथ साथ ही दिखाते जाएंगे आज की रूटीन। ये देखें यहाँ पे अब हम नाश्ते से फारग हो चुके हैं, अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फ्राइड राइस बना लेते हैं। और ये रात के हमने पालक चावल बनाए थे, पालक गोश्त और चावल साथ बनाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फ्राइड राइस बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को फ्राइड राइस बहुत पसंद है और ये चावल भी ज़ाया नहीं हो पाएंगे। चलें मैं इनको बनाती हूँ और साथ आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह हम पुराने चावलों को बिल्कुल फिर हम नया कैसे तैयार कर सकते हैं, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर मैं प्याज को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे अब हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई वो डाल देंगे। तो अच्छी तरह से भून लिया, अब इसमें मैं मसाला जात ऐड करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, खुशक धनिया,
थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देते हैं और इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे चावलों में, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस थोड़ी सी केचप पड़ी थी, मैंने सोचा कि ये भी अंदर डाल लेती हूँ। ये अब हम इसे दम पे रख लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावलों को अब दम आ चुका है। यहाँ पे ये देखिए हमारे चावलों को दम आ चुका है। इसी तरह आप भी कोशिश किया करें कि अगर रात के कोई पुराने चावल पड़े हों, बच जाएं, अगर आप पकाएं तो आप उन्हें दोबारा से तरीके से पका सकते हैं। ये चावल बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और बड़े भी इन्हें शौक से खा लेंगे। आपको ये मेरे फ्राइड राइस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसे ज़रूर मुझे बताना कि किस तरह के लगे हैं आपको चावल। और ये कोई मेरे ये फ्राइड राइस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताना कि किस तरह के लगे हैं आपको। अब अम्मी जान ने मुझे बुलाया कि अब हमने छत पे थोड़ा सा काम है, अब हम छत पे जाएंगे और उधर दिखाएंगे कि आज हम क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है आप ठीक ठाक होंगी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो आज की हमारी वीडियो जो है ये थी कि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ये तो निकल आए हैं अंदर से इतने प्यारे हैं, तो ये हम ऊपर लगा देते हैं इसी गमले में देख के, तो ऐसे ही जगह बना के ऐसे अंदर रख देंगे तो ये चलता रहेगा। अच्छा जी, हम आए हैं ऊपर और धनिया लगाने, तो पुदीना भी थोड़ा सा लेना था, मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो में, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। तो देखो मार्च पे अभी आज क्या तारीख हुई है, और 11 तारीख हुई है मार्च में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, धूप लग रही है, तो मैं पंखा चला के फिर काम कर रही हूँ। तो मैंने कहा जो कपड़े निकाले हैं हमने सर्दियों वाले मोटे कपड़े गर्म उनको हम स्ट्रेचिंगों में रख लेते हैं, तो वो मैं स्ट्रेचिंगों में रख रही हूँ, तो फिर दिखाती हूँ आपको पुदीने के मतलब भी। बोल सभी, हमने टैची पे सारे जो कपड़े हैं टैची में रख लिए हैं, तो ये कपड़े जो बच्चों को छोटे हो जाते हैं तो वो हम दीवार मेहरबानी पे लगा देंगे। देखिए ऐसे करके तह लगा के हम दीवार मेहरबानी पे लगा लेंगे, तो ये जो होते हैं कपड़े छोटे ये निकालने चाहिए, चलो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हैं, तो ये भी स्वभाव का काम होता है, तो ये भी जो कपड़े तो नए हालत में होते हैं लेकिन हमारे जब बच्चों को छोटे रहते हैं किसी की ज़रूरत के नहीं होते थे, वो दूसरों के काम आ जाते हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह सही कपड़े हैं, तो ये हम लगा लेंगे दीवार मेहरबानी पे। और घर का सामान फालतू चीज़ें निकाल देनी चाहिए, जो हमारे समझो जो हमारे 3 महीने या 6 महीने कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आई वो हमारी ज़रूरत की नहीं होती, उसको निकाल देना चाहिए, उसको मतलब घर में रखने से कोई फ़ायदा नहीं, अपनी जगह ही कम पड़ती है और रखने की जगह नहीं रहती है। जो भी फालतू सामान होता है, जो मतलब कई चीज़ें होती हैं जो हम संभाल के रखते हैं लेकिन उस सदियों से सालों से हमारे किसी काम में नहीं आती, तो वो हमें निकाल देनी चाहिए। जो ज़रूरत की होती हैं वो महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है उन चीज़ों की, तो ये हम दीवार मेहरबानी पर रखाएँगे, तो ये उधर रख देते हैं। तो ये सारे कपड़े जो हैं हमने निकाले हैं, तो ये हमारे पास ये दीवार मेहरबानी है तो उस पर हम रखा देंगे, तो वो जिसको ज़रूरत होती है वो उधर से ले लेते हैं। तो आजकल हमारे घर में हेल्पर भी आती हैं, तो उसके तो 2 बेटे हैं छोटे हैं हमारे बच्चों से काफ़ी, तो उनको नहीं वो कपड़े नहीं आते, उनको भी हम नए ले देंगे, ईद आ रही है तो हेल्पर को भी लेके देंगे, उनके बच्चों को भी लेके देंगे, तो ये दीवार मेरे पानी पर जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि घर समेटा ही होना अच्छा लगता है, ये कपड़ों का खलारा ये बर्तनों का फालतू ये निकालनी चाहिए चीज़ें घर से, जब हम नहीं लेते हैं तो फिर पिछली की ज़रूरतें कम हो जाती हैं, तो नई चीज़ें ले लेते हैं, तो ये घर
समेटा अच्छा लगता है, जो फैला हुआ घर होता है, कपड़े बर्तन ये चीज़ें फैली हुई, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा बहनों के लिए था, तो ये आज की मेरी बात को अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें। स्टोर पे आए थे, स्टोर में कपड़े रखे थे, जो गर्म कपड़े निकाले हमने, तो ये टैची में रख दिए हैं, तो जो थोड़े से हल्के फुल्के रह गए हैं वो नीचे टैची पड़ा वो उस पर रख के फिर ऊपर ले जाएंगे, और बेटा आएगा तो ऊपर इसको सेट करवाते हैं टैचियों को। हमारी आज का काम तो कपड़ों को संभालना और फालतू कपड़ों निकालना। अब हम स्टोर का काम ख़त्म कर लिया, अब हम छत पे चलते हैं वो पुदीना निकालना थोड़ा सा। तो ये अलग अलग शापर इसलिए है कि कुछ बच्चों के कपड़े हैं तो जो निकाले उसको, कुछ पेंटें शर्टें हैं तो मुझे आज ये कपड़ों का काम किया। अब जूतों की तरफ आएंगे, जूते भी निकालेंगे, पौधों को पानी देते हैं, देखते हैं गुलाब को कितनी कलियाँ पड़ी हुई हैं। ये अब ये ऊपर छत पे गमला पड़ा हुआ था, अभी फारग ही था, तो वो हमारी बाजी हैं गांव में, तो मैंने कहा बेटी को शिवरात लेके जाना तो ये साथ ना, ये उनको पुदीना लगा के दे आऊँगी, उनको बहुत शौक रहता है। इसमें अब लगाते हैं, ये रख देते हैं ठीकरी, ये अब इसमें मिट्टी डालते हैं। ये गमले में मिट्टी भर ली है, इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, इसमें हल्का सा पानी डाल दिया। अच्छा ये पुदीना है, ये टप में लगा हुआ है, इसको अब हम निकालते हैं जड़ों समेत। ये देखें ये जहाँ लगता है इसकी जड़ें ही बन जाती हैं सारे, हम इसको जड़ों समेत निकालना है। दिल करता है कि जड़ें कट जाएं इसकी। ये हमने एक पौधा लगा दिया, तो ये जड़ समेत लगाने का ये मकसद है, इसको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, इसने चलना ही होता है, तो वैसे भी लगाना बहुत आसान है इसको, तो मेरी बहनें आराम से घर में लगा सकते, जैसे बाज़ार से पुदीना लाते हैं लोग चटनी वगैरह के लिए, तो उससे भी आराम से लगा सकते हैं। शायद मैंने पहले भी कई वीडियो में किसी में आपको बताया हो। ये देखें इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे हम लगा देंगे, तो शौक के जो हो वो मेहनत भी हो तो उसमें मेहनत नहीं लगती, इसलिए मुझे शौक होता है ये काम करने का, पौधे लगाने का, इनको बढ़ाने का, तो मेहनत तो होती है हर काम में, तवज्जो भी देनी पड़ती है। मैंने पहले बताया था कि तवज्जो इतनी देनी पड़ती है जैसे कि छोटे बच्चों को माएँ तवज्जो करती हैं, इतनी तवज्जो देनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे शौक है, तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं खुशी खुशी करती हूँ ये काम। माशाल्लाह जब मैं अपनी बहनों को एक वीडियो में दिखाया था कि ये सारा कटिंग कर दी थी मैंने, सफाई कर दी थी अंदर से, मुझे देखो कितना माशाल्लाह पुदीना हो गया। इसको भी हम काटेंगे, काट के धो के और खुशक करेंगे, तो जो हमें रमज़ान शरीफ में दही भल्लों में सिकंजवी में काम आएगा, तो सेव कर लेंगे हम खुशक करके, तो इसका पाउडर सा बना लेंगे। ये देखें तो ये जी पौधे मांगे थे हम सायों ने, पुदीना और ये एलोवेरा, तो एलोवेरा का हम ये पौधा निकालते हैं, तो ये देखें तो ये ऐसे लग जाना आराम से। ये जो बेटी ने पुदीना और धनिया, ये धनिया था जो जड़ों समेत था, बेटी ने कफ में डाल के पानी डाला हुआ था उसको, तो ये देखे इतने से पत्ते उसके निकल आए हैं, तो अब इसको भी हम मिट्टी में लगा देते हैं चंद दिन के लिए, धनिया तो बनेगा ही ना। अब देते हैं इसको पानी, ये हमने एलोवेरा ये दो, एक पौधा बड़ा और साथ ये इसके छोटे छोटे पौधे, ये हम सायों ने मांगे थे, और ये था साथ पुदीना जड़ों वाला भी उन्होंने मांगा था, ये हम उनको देंगे हम सायों के। ये था
ये जो पुदीना हमारी बाजी जान ने मांगा था उनके लिए तैयार हो गया। पुदीने को पानी ज़रूर दें, ज़्यादा पानी दें, सुबह शाम दें तो फिर ये अच्छा सा रहता है। तो ये बेटी के धनिया को भी लगा दिया। तो ये देखिए, ये पौधों वाले काम करने चाहिए, इससे ज़हन फ्रेश रहता है, डिप्रेशन ख़त्म होता है। तो हालांकि हम बहुत मसरूफ़ हैं इस टाइम, लेकिन हम फिर भी ये मैं काम करती रहती हूँ, साथ बेटी बहू का भी तामन होता है, तो इसलिए हम ये काम कर लेते हैं। अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं होता, साथ अपने अफराद जो हेल्प करने वाले होते हैं वो साथ होते हैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं होता। ये पुदीना जड़ों समेत ही निकाल दिया मैंने, तो किसी बहन भाई को देना तो अच्छी चीज़ दें, उनके भी काम आए। ये हमसायों के लिए पुदीना जड़ों समेत निकाला, और ये एलोवेरा के तीन पौधे हैं, एक बड़ा दो छोटे। हमारी बाजी ने हमसे मांगा था, बाजी बहुत शौक रखती हैं। चलते हैं नीचे जाके, हम ओके भी करते हैं वीडियो को और कुछ एक दो पौधे भी दिखा देते हैं। अच्छा जी, नीचे मैंने क्या दिखाना था अपनी बहनों को, ये थे अनार के पौधे, ये डेकोरेशन अनार है, देखो कितने इसको फूल और कलियां पड़ी हुई हैं। आज की हमारी वीडियो इतनी थी, ये रूटीन थी हमारी, मेरी बहनों को उम्मीद पसंद आएगी आज की रूटीन, तो वो लाइक करेंगी, शेयर करेंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।